भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज फिर एक बार मेरा विश्वास बढ़ गया है सर कि संघर्ष करते रहने वालों के साथ कुछ भी हो सकता है, मगर वो हार नहीं सकते। बैठो और लिखना शुरू करो। ऐसे कैसे लिखना शुरू करो? क्या कहा था मैं तुमको? और क्या कर रहे हो ये? निकाल बाहर करो इन दोनों को। मैं इन दोनों को बाहर नहीं निकाल सकता, क्षमा कीजिए भैया। जो तुम नहीं कर सकते हो वो मैं करूंगा। मैं इन दोनों को अपने दफ्तर से बाहर निकालता हूँ। ये दफ्तर मेरा भी है। इसके बदले तुम्हें दूसरी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, और अगर इनकार किया तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा, और फिर देखता हूं कि तुम क्या कर लेते हो। सोच लो, तुम्हें इन दोनों को बाहर करना है या इनके साथ तुम्हें भी बाहर जाना है। करुणा, तुम्हारा हाथ तो चलता ही नहीं है। जरा अपनी देवरानी की तरह तेज हाथ चलाना सीखो। वो दोनों कितना मन से काम करती है और तुम्हारा मन लगता ही नहीं काम में। अब आपको वही दोनों अच्छे दिखते हैं तो क्या करें? करो ऐसे ही काम, बाद में जोड़कर इसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस मौका मिल जाए फिर बताती हूं। नमस्ते साहब। नमस्ते मालिक, अंदर आइए। और सब क्या चल रहा है साहब? आप धूप से आए हैं, थोड़ा पानी वानी पीजिए ना, फिर पूछ लीजिएगा। देखा, मालिक को देख के करुणा दीदी का नाटक शुरू हो गया। चाय वाय मंगवाता हूँ, आप अंदर चलिए। इसे रख दो, इसमें पैसे हैं, जाते समय ले लूंगा। मैं अंदर बैठता हूँ। ठीक है। अच्छा है कि तू इस बिरादरी की है, नहीं तो भाग के पानी लाती। ये मैनेजर का तो कुछ करना होगा। क्या फैसला किया? इन दोनों की नौकरी चाहिए या अखबार? मैं इन दोनों को निकाल नहीं सकता। तो मैं तुम्हें निकालता हूं। चलो निकलो बाहर। सर सर देखिए, इन्होंने इस अखबार को, इस ऑफिस को अपने खून पसीने से सींचा है।
आप इन्हें इस तरह से यहाँ से निकाल नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि ऑफिस आपने चालू किया था, मगर इतने सालों से ये भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, इनकी मेहनत का बदला इस तरह से तो मत दीजिए। तू बीच में मत बोल, नौकर है नौकर की तरह रहे। चल निकल बाहर। रुकिए, इन्हें मत निकालिए, मैं चला जाता हूँ। मैं भी चला जाता हूँ। चल निकल बाहर। और तुम दोनों भी बाहर निकलो। अरे ये क्या हो गया सेठ जी? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी आपके साथ। बताइए, इतनी बेइज्जती, अरे अपने ही ऑफिस से लात मार के निकाल दिया आपको। अरे जानता हूं मैं अच्छी तरह से, ये इस भीमराव की संगति ऐसी है। अरे इसकी संगत में जो भी पड़ा है ना, बर्बाद हो गया है। मेघनाथ जी, धक्का मारकर गिराने वाला कभी ताकतवर नहीं होता। हाथ देकर उठाने में ताकत होती है। चिंता मत कीजिए सर, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई चौखट से हमें ऐसे ही धक्का मारकर भगा दिया गया है। मगर धक्का मारकर भगा देने से हमारा हौसला कभी कम नहीं पड़ा, बल्कि हमें प्रेरणा मिली है और साहस के साथ अपने सफर पर चलते रहने की। और मेघनाथ जी, आज यहां से भी मुझे प्रेरणा मिली है। अब जल्द ही मैं खुद अखबार का एक नया ऑफिस खोलकर शिशुपाल जी, शिशुपाल जी और सर की मदद से। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे। और वैसे भी मेघनाथ जी, पत्थर तो लोग फेंकते ही रहते हैं और पत्थरों से घाव भी होते हैं, मगर कलाकारी इसी में है कि सारे पुराने घाव भूलकर उन्हीं फेंके हुए पत्थरों से एक नई इमारत बनाई जाए। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया, एक नया रास्ता बनाया जाए और अनहोनी को होनी में तब्दील किया जाए। शब्द तेरा भीम गर्जना, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। सर, साहिब मेरे चलिए शिशुपाल जी, एक नए रास्ते पर
सामने खड़े हो जाने से हम रुक नहीं जाएंगे। अब तो चलते हुए चलेंगे और कुछ अलग करेंगे। और अब तो डर इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि साथ में भीम ने हाथ पकड़ कर रखा है। चलो भीम, बगल से चले जाते हैं। अब ये बहस, लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी में उम्र गुजार दी है, अब अच्छा बनना है। चलिए। देखते हैं कि कैसे अखबार खोलता है। अरे आप क्या देखोगे उसे? देखूंगा तो मैं। छोड़ूंगा नहीं इसे। ऐसा है, आप ये अखबार का ऑफिस ना आप मुझे भेज दो। कहना भाई साहब, किसी को धंधे में बर्बाद करने के लिए ना तो उस धंधे का राजा होना बहुत जरूरी है। आपके इस ऑफिस की मोह मांगी कीमत देकर मैं उस भीमराव की बर्बादी खरीद रहा हूं आपसे। आसान नहीं है अखबार का ऑफिस शुरू करना भीमराव, बहुत मुश्किल है। हो जाएगा सर, आपने भी तो शुरू किया ही था ना। हमारे पास तो अभी आपके जैसे अनुभवी और बहादुर मार्गदर्शक भी हैं। बाकी चीजों के लिए मैं हूँ। और मैं कहाँ गया? शिशुपाल जी, आप अगर इस अखबार की लड़ाई में फंसेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? चल जाएगा भीम, किसी ना किसी तरह चल ही जाएगा। मगर आप दोनों के संघर्षों से अलग नहीं होऊंगा और आप दोनों समझाएंगे तब भी अलग नहीं होऊंगा। लीजिए, अब क्या बचा है? एक आप हैं और बाकी हम दोनों, हम तीनों मिलकर कर ही लेंगे। लेकिन बहुत पैसे लगेंगे शुरुआत करने के लिए। पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे सर। आप सबसे पहले ये चोट ठीक कीजिए, बाद में हम सोचेंगे। किस मिट्टी के बने हो तुम भीम? अरे अभी अभी तो तुम्हारी नौकरी गई है और तुम कह रहे हो कि चोट ठीक कीजिए, बाद में सोचेंगे। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो बड़ा काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए आपका स्वस्थ होना। जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी तरह पैसे चुराने होंगे, लेकिन मैं वहां तक जाऊं कैसे?
देखो उस तरफ देखो आगे थोड़ी। हाँ हाँ आगे की तरफ। बाहर क्या हो गया? देखता हूँ सर। क्या चल रहा है? करुणा। क्या क्या हुआ साहब? तुमने कुछ नाटक किया है क्या? नहीं दीदी ने कोई नाटक नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें सचेत किया। इन्हें कहीं साफ दिखाता है ना? क्या साफ? ये बेवकूफ बनाती रहती है। तुम जाओ, सब अपना अपना काम करो। साहब साहब आपको क्या दिक्कत है मुझसे? मैं कुछ भी करूं आप मेरे खिलाफ ही बोलते हैं। जाओ काम करो अपना, नाटक नहीं। नहीं चल सकती साहब, साहब क्षमा कर दीजिए साहब, क्षमा कर दीजिए। अब शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूं। लेकिन ये अटैची खुली कैसे है? इसमें पैसे कम हैं, किसी ने पैसे चुराए हैं। करुणा तुमने सांप का नाटक किया था ना, बता पैसे कहाँ रखे चुरा के? मैंने चोरी नहीं की। लेकिन तुम सब में से किसी ने तो पैसे चुराए होंगे। सबको थाने पहुंचा दूंगा। ठीक है साहब, कीजिए तलाशी, लेकिन साहब इस मैनेजर की भी तलाशी लीजिए। चोर है ये मैनेजर। ए, तमीज से बात कर। साहब ये हर चीज में घपला करते हैं। अब मैनेजर है तो हमारी औकात है नहीं ना इनके सामने कुछ कहने की, इसलिए हम कह नहीं पाते। मगर साहब ये करते हैं घपला हर चीज में, यहाँ तक कि माल वाल भी कम भेजकर ज्यादा लिख देते हैं। झूठ, अरे ये झूठ बोल रही है करुणा, ज्यादा झूठ नहीं है। मालिक सभी से पूछ लीजिए। लक्ष्मी रमा तुम बोलो मैंने कुछ किया है क्या? साहब ये दोनों क्या कहेंगे, ये दोनों तो मेरी देवरानी है साहब। मैनेजर अपना काम लक्ष्मी से करवाते हैं, अक्सर खुद बाहर चले जाते हैं और अपना सब काम लक्ष्मी को देकर चले जाते हैं। मगर साहब साहब मैं कह रही हूँ चोर है ये मैनेजर,